हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इंडिया फॉर यू। माय नेम इज संदीप कुमार। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अपने विंडोज 11 के सिस्टम में हूं और ये मैं एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट लॉगिन करना चाहता हूं, लेकिन मैं इसका पासवर्ड भूल चुका हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं और मैंने काफ़ी ट्राई किया लेकिन मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं, पासवर्ड इसका मैं भूल चुका हूं। तो इसी प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करना सीखेंगे। एक तरीका हम सिस्टम को फॉर्मेट कर लें डेटा बैकअप लेके, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस है। लेकिन अगर हमें ये समस्या कहीं पे भी आती है, हम पासवर्ड भूल जाते हैं या कोई भी कस्टमर का या हमारे किसी फ्रेंड का सिस्टम हमारे पास आता है इसी प्रॉब्लम के साथ जिसमें कि हमें क्विक सॉल्यूशन देना है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए मैंने कुछ सॉल्यूशंस ढूंढे हैं और एक फ्री सॉफ्टवेयर मैंने ट्राई किया है जो कि जिससे कि हम अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं या विंडोज के एडमिनिस्ट्रेटर या किसी भी स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट या एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को हम अनलॉक या रीसेट कर सकते हैं विदाउट नोइंग एनी पासवर्ड। चलिए हम देखते हैं कैसे होगा ये। तो सबसे पहले हम एक सॉफ्टवेयर है क्योंकि गूगल पे सर्च करेंगे हम लेस सॉफ्ट, तो ये फर्स्ट लिंक आएगा। इसको इसकी साइट पे जाएंगे ऑफिशियल साइट की, तो आप देख सकते हैं इसका होम पेज है। सॉफ्टवेयर का नाम है लेस सॉफ्ट रिकवरी सूट 4.5। ये टोटली फ्री है। इसका लाइसेंस वर्जन भी आता है जो कि प्रोफेशनल वर्जन है। तो इसके कुछ मेन फीचर हैं, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, रिकवर योर डेटा और रिपेयर योर यूएसबी, रिपेयर योर सिस्टम व्हेन विंडोज कैन नॉट स्टार्ट नॉर्मली, क्रिएट बूटेबल रेस्क्यू सीडी और यूएसबी डिस्क, बूट अप एनी कंप्यूटर, रिकवर डेटा एंड पासवर्ड, रिपेयर विंडोज सिस्टम, क्लोन और रीस्टोर द हार्ड ड्राइव। तो ये इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे मेन प्रॉब्लम जो अभी हो रहा है वो हो रहा है कि हमें पासवर्ड याद नहीं है और हमें किसी भी प्रकार से सिस्टम में लॉगिन करना है, इस पासवर्ड इश्यू को बाईपास करना है। सबसे पहले हम ये सॉफ्टवेयर के डाउनलोड पेज पे जाएंगे, डाउनलोड सेक्शन में। तो ये सॉफ्टवेयर का होम एडिशन है, लेस सॉफ्ट रिकवरी 4.5 होम एडिशन। ये देख रहे हैं फ्री है, ये 39.9 MB का सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है। आप देख सकते हैं इसके प्रोफेशनल एडिशन है, नीचे जाकर के आप देख सकते हैं और भी इसके सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहां पे इसका लेस सॉफ्ट रिकवरी सूट 4.5 होम एडिशन डाउनलोड करूंगा। इसका डाउनलोडिंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दे दूंगा। तो हम इस पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लगेगा। मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसका सेटअप है 41.3 MB का। मैं आपको दिखा देता हूँ 41.3 MB का। तो इस सॉफ्टवेयर को हम फटाफट इंस्टॉल कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे इस पे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे। और इसको लैंग्वेज ये मांग रहा है सेलेक्ट करने के लिए, तो हम सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज, लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सी ड्राइव में अपना ये सिस्टम फोल्डर बनाएगा लेस सॉफ्ट रिकवरी नाम से, प्रोग्राम फाइल 86 फोल्डर के अंदर। हम ये लोकेशन, इंस्टॉलेशन लोकेशन इसकी चेंज भी कर सकते हैं ब्राउज बटन पे क्लिक करके। हम इसको डिफॉल्ट लोकेशन पे ही इंस्टॉल करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये सॉफ्टवेयर फोल्डर बना देगा स्टार्ट मेन्यू के अंदर। कंटिन्यू करेंगे इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट पे क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है, तब तक के लिए हम अपने विंडोज सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं क्योंकि हमें बूटेबल पेन ड्राइव बनाना पड़ेगा इसी सॉफ्टवेयर से जो हम डाउनलोड कर रहे हैं, और उस पेन ड्राइव से हम सिस्टम को बूट करेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है कम्प्लीटली, फिनिश पे क्लिक करेंगे। लॉन्च एप्लीकेशन ऑलरेडी सेलेक्टेड ऑप्शन, फिनिश करते ही सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा।
तो आप देख रहे हैं इसका सॉफ्टवेयर का विजार्ड ओपन हो गया, लेस सॉफ्ट रिकवरी सूट होम। और इस कुछ ऑप्शंस हमको दिख रहे हैं सामने, जैसे कि विंडोज रिकवरी, डेटा रिकवरी, डिस्क इमेज एंड क्लोन, पासवर्ड रिकवरी। तो ये सारे फीचर्स एक्स्ट्रा हैं जो कि एकदम फ्री हम यूज कर सकते हैं। हमारा मेन इशू अभी जो है वो है पासवर्ड रिकवरी का। हम ये ऑप्शन इसका इसका फीचर ये यूज करेंगे। हमको बाकी ये सभी ऑप्शंस फ्री में मिलेंगे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद। जैसे कि सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे, ये इंस्टॉल हो चुका है लेकिन अभी भी इसके कुछ स्टेप्स बाकी हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है इसका, टू गेट स्टार्टेड प्लीज चूज ए मॉड्यूल गिवन बिलो। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है बर्न सीडी, यूएसबी डिस्क, लॉन्च बूटेबल मीडिया बिल्डर टू बर्न ए बूटेबल रिकवरी सीडी और यूएसबी डिस्क। तो हम इसका सीडी डीवीडी भी बना सकते हैं बूटेबल यहाँ पे, लेकिन हम पेन ड्राइव का यूज करेंगे। ठीक है, तो पेन ड्राइव आपकी कितनी भी कैपेसिटी की हो सकती है। सॉफ्टवेयर बहुत छोटा सा है, 1 GB 2 GB पेन ड्राइव भी यूज में ले सकते हैं आप। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी 2 GB पेन ड्राइव है, 1.85 GB स्पेस शो हो रहा है, तो इसका भी हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, बर्न सीडी और यूएसबी डिस्क, तो क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे कुछ फाइल्स जो है इसकी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड होंगी, तो हमारा इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव होना चाहिए क्योंकि हम अभी ऑलरेडी इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। तो इसमें वर्जन पूछ रहा है विंडोज का कि टारगेट कंप्यूटर जिसपे हम पासवर्ड रीसेट करेंगे उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए। वैसे विंडोज के सभी वर्जन सपोर्ट करता है, साइट पे इसके दे रखा है कि विंडोज 10 तक सपोर्ट करेगा, लेकिन मैं इसको टेस्ट करने जा रहा हूँ 11 पे, देखते हैं टेस्ट हो ये टेस्ट हमारा कामयाब रहता है कि नहीं। तो जैसे कि हम अभी विंडोज 10 पे इसको बूटेबल मीडिया क्रिएट कर रहे हैं हमारी पेन ड्राइव को, ये सॉफ्टवेयर जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं अपने यूएसबी पेन ड्राइव में बूटेबल बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे या तो सेम एज दिस कंप्यूटर चूज कर सकते हैं, नहीं तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको विंडोज 10 64 बिट, जो कि मेरा हाईएस्ट वर्जन है इसकी सॉफ्टवेयर के लिस्ट में आप देख सकते हैं। तो हम हाईएस्ट वर्जन ही सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शंस में जाके इसके देख लेते हैं कि क्या है। तो ये विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10, ऑल विंडोज के जितने भी एडिशन है 32 बिट और 62 बिट, प्री इंस्टॉल्ड एनवायरमेंट के साथ हम इसको यूज करेंगे। यानी कि पी से मतलब है यहाँ पे प्री इंस्टॉलेशन एनवायरमेंट, यानी विंडोज का हमको जहाँ विंडोज एनवायरमेंट नहीं मिलेगा वो यहाँ ये इस पेन ड्राइव बूटेबल पेन ड्राइव के थ्रू ये विंडोज पीई यानी प्री इंस्टॉलेशन एनवायरमेंट क्रिएट करके देगा, जैसे कि हम विंडोज के अंदर ही काम कर रहे हैं। तो ये इसके कुछ ड्राइवर्स हैं, यूएसबी बूट डिस्क ऑप्शंस हैं, फाइल टाइप दिखा रहा है FAT32 में, फॉर्मेट यूएसबी बूट पार्टीशन व्हेन बिल्डिंग ए यूएसबी बूट डिस्क। सो फॉर्मेट करेगा हमारी पेन ड्राइव, सभी ऑप्शन डिफॉल्ट सेलेक्ट रहने देते हैं, कैंसिल पे क्लिक करते हैं और हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं बूटेबल मीडिया सिलेक्शन, चूज विच बूटेबल डिवाइस टू क्रिएट सीडी और डीवीडी और यूएसबी फ्लैश डिस्क, यू कैन स्टोर बूटेबल डेटा इन आईएसओ फाइल। तो जैसे कि यहाँ पे आप तीन ऑप्शन देख रहे हैं, पहला ऑप्शन है सीडी और डीवीडी। हमारे पास अगर कोई सीडी और डीवीडी है जो कि हम बर्न कर सकते हैं बूटेबल बनाने के लिए, लेकिन आज के टाइम में कोई सीडी यूएसबी का यूज नहीं रहेगा, सारा काम हम यूएसबी फ्लैश ड्राइव और यूएसबी हार्ड ड्राइव से काम हो जाता है। तो हम यूएसबी फ्लैश ड्राइव का यूज करेंगे जो कि हमारी है डी ड्राइव, आप देख सकते हैं। तो आप पहले इसका डेटा बैकअप ले लीजिए हमारे पास, आपके आप जो भी मीडिया यूज करने जा रहे हैं हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 GB पेन ड्राइव का यूज कर रहा हूँ जिसका ड्राइव लेटर है डी, आप देख सकते हैं। और साइज कोई मैटर नहीं करेगा इसमें, बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, 2 GB पेन ड्राइव भी इसके लिए सफिशियंट है, 1 GB भी सफिशियंट है, बहुत थोड़ा सा स्पेस लेगा ये। तो जैसे कि आप ये ऑप्शन देख रहे हैं थर्ड ऑप्शन आईएसओ इमेज, तो इस ऑप्शन से क्या होगा, ये आईएसओ आपकी डाउनलोड हो जाएगी इसके प्रोग्राम फाइल्स लेस सॉफ्ट रिकवरी सूट फोल्डर के अंदर, और इस आईएसओ फाइल का आप फ्यूचर में कभी भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट ये पूरा प्रोसेस किए बगैर,
यानी ऑफलाइन भी बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के इस बूटेबल आईएसओ से हम सेम प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं कभी भी किसी भी सिस्टम पे बैठ के। तो मैं आपको ये फुल इंस्टॉलेशन करके दिखाता हूँ, देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें। तो मैं कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, चलिए स्टार्ट पे क्लिक करते हैं थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करके, और ये चेंज भी कर सकते हैं हम ऑप्शन। तो अभी हम इसको डिफॉल्ट लोकेशन पर रहने देते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। इंटरनेट हमारा कनेक्ट होना चाहिए, इंटरनेट हमारा कनेक्टेड है, तो ये कुछ टाइम लेगा। अभी हमारा 11:44 हुआ है, आप देख सकते हैं सिस्टम पे, देखते हैं कितना टाइम लेता है ये। तो लेस ऑफ मीडिया बिल्डिंग इज बिल्डर इज प्रिपेयरिंग विंडोज पीई, दिस मे टेक सेवरल मिनट्स। ये कह रहा है कि कुछ टाइम लेगा ये, देखते हैं कितना टाइम लेगा। और इसकी ऑफिशियल साइट पे दे रखा है विंडोज के सभी एडिशन ये सपोर्ट करेगा, हम की हर विंडोज विंडोज के हर एडिशन पे, यहाँ तक कि कुछ सर्वर एडिशन हैं जिसको कि ये सपोर्ट करेगा, हम उनका भी पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। लेकिन ये फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है जो हम फ्री में यूज कर रहे हैं, तो ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है, इसको हम पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हैं, यानी इसको कॉमर्शियली यूज नहीं करेंगे। कॉमर्शियली यूज करना है तो हम इसका प्रोफेशनल वर्जन यूज करेंगे जो कि लाइसेंस्ड है और उसको हमें परचेस करना पड़ेगा। ये फ्री वर्जन है, हमारा काम इसी से हो जाएगा। इसमें काफी फीचर दे रखे हैं, जैसे कि विंडोज रिपेयर फीचर है इसका, फाइल रिकवरी सॉफ्टवेयर है इसके अंदर, पासवर्ड रिकवरी सॉफ्टवेयर है। देखिए ये कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस, द आईएसओ इमेज वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली। हम ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये हमें लोकेशन पे ले गया जहां पे इसने फाइल, ये आईएसओ फाइल डाउनलोड की है। तो आप देख सकते हैं ये है फाइल हमारी आईएसओ, जो कि विंडोज के अंदर सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स लेस सॉफ्ट रिकवरी, ये पूरा पाथ है जिसके अंदर ये आईएसओ फाइल डाउनलोड हुई है। आईएसओ फाइल का साइज भी आप देख सकते हैं 290 MB साइज है इसका, तो छोटा सा सॉफ्टवेयर है, छोटी सी आईएसओ फाइल है, सी ड्राइव में इंस्टॉल हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, हम अपनी पेन ड्राइव में यही फाइल इंस्टॉल करेंगे, यानी ये आईएसओ फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ये भी प्रोसेस हमारा ऑनलाइन होगा यहाँ पे। तो हम सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, पेन ड्राइव का ड्राइव लेटर हमारा ऑलरेडी डी है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। और आप लोग कोई भी ड्राइव यूज करेंगे तो उसको पहले बैकअप ले लेंगे उसका डेटा, नहीं तो सारा डेटा लॉस हो जाएगा, क्योंकि पेन ड्राइव पहले ये सॉफ्टवेयर फॉर्मेट करेगा। तो हम डी ड्राइव सेलेक्ट करते हैं, सेकंड ऑप्शन यूएसबी फ्लैश ड्राइव सेलेक्ट करके स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। और ये देखिए वार्निंग दे रहा है कि यू मस्ट फॉर्मेट द यूएसबी डिस्क बिफोर इट कैन बी मेड बूटेबल, यानी कि ये फॉर्मेट करेगा यूएसबी डिस्क बूटेबल बनाने के लिए। जैसे कि पेन ड्राइव हमारी बूटेबल नहीं है, ब्लैंक है, इसको पहले बूटेबल बनाएगा। तो प्लीज बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा फर्स्ट, तो ये कह रहा है अपना डेटा, अगर इसमें कोई डेटा है आपका काम का तो उसका पहले बैकअप ले लीजिए, उसके बाद इसको फॉर्मेट करेगा। तो पूछ रहा है डू यू वॉन्ट टू फॉर्मेट द यूएसबी डिस्क नाउ, तो हम इसको फॉर्मेट करेंगे क्योंकि हमें प्रोसेस आगे करना, हमारा कोई डेटा इसमें नहीं है। अब यस पे क्लिक करेंगे तो लेस ऑफ मीडिया बिल्डर इज फॉर्मेटिंग योर यूएसबी डिस्क डी, तो ये फॉर्मेट कर रहा है, देखिए फॉर्मेट हो चुकी है पेन ड्राइव मेरी। और ये प्रिपेयर कर रहा है विंडोज पीई एनवायरमेंट क्रिएट कर रहा है पेन ड्राइव के अंदर, और कह रहा है दिस में टेक सेवरल मिनट्स, ये देखते हैं इसमें कितना मिनट लगता है। आईएसओ इमेज बनने में मात्र 2 मिनट, 2 से 3 मिनट लगे थे, छोटा सा टाइम लग रहा है इसमें, बहुत थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो इस प्रोसेस में देखते हैं, क्योंकि ये पेन ड्राइव पे हो रहा है तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगना चाहिए, और ये डिपेंड करेगा हमारी पेन ड्राइव की रीड एंड राइट स्पीड पे भी। जैसे कि मैं ओल्ड पेन ड्राइव यूज कर रहा हूँ जो कि 2.0 सपोर्टेड पेन ड्राइव है, आप यूएसबी 3.0 का भी यूज कर सकते हैं, 4.0 का भी यूज कर सकते हैं, जिसकी स्पीड और भी ज्यादा फास्ट होती है तो वो कम टाइम लेगी। लेकिन यहाँ पे सारा प्रोसेस इंटरनेट के थ्रू परफॉर्म हो रहा है, सारी फाइल्स डाउनलोड हो रही हैं लेस सॉफ्ट सॉफ्टवेयर की ऑफिशियल साइट से, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा।
एक मिनट हो चुका है इस प्रोसेस को, पेन ड्राइव बूटेबल हमारी बन नहीं है। तो गाइज ये प्रोसेस जब तक कंप्लीट होता है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी राय व्यक्त कीजिए, आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आप सुझाव दे सकते हैं जिन टॉपिक्स पे भी आपको भविष्य में वीडियो चाहिए। आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और वीडियोस और टेक्निकल इंफॉर्मेशन पे वीडियो डेली बेसिस पे ला सकें। मेरी कोशिश रहती है मैं आपके लिए डेली वीडियोस लाऊं। तो अपना प्यार बनाए रखिए, हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहिए। देखिए ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, मात्र 3 मिनट में हमारी बूटेबल पेन ड्राइव बन चुकी है। ये दे रहा है कि यू आर रेडी टू रन द रिकवरी टूल्स, इसमें लिंक भी दे रहा है कि आप कैसे बूट कराएंगे यूएसबी फ्लैश ड्राइव से, या जो भी आपने सीडी डीवीडी बनाई है, हमने यूएसबी ड्राइव बनाई है, आप चाहें तो इस पे लिंक पे जाके देख सकते हैं। लेकिन बूट कैसे कराते हैं पेन ड्राइव से, आप इस पे कई वीडियोस यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, कई वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, आप गूगल भी कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बूट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम यूज करेंगे अपने विंडोज 11 का पासवर्ड रीसेट करने का तरीका देखेंगे इसी सॉफ्टवेयर से। फिनिश पे क्लिक करते हैं, ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसको हम क्लोज करते हैं। अब देखते हैं हमारी पेन ड्राइव किस स्टेट में है। तो ये देखिए इसने इतना स्पेस ले लिया है सॉफ्टवेयर ने, और 2 GB की पेन ड्राइव है जिसमें कि 288 MB स्पेस यूज हुआ है। इसको ओपन करके देख लेते हैं, तो ये कुछ फोल्डर्स इसके बने हुए हैं जो कि बूटेबल पेन ड्राइव हमारी बन चुकी है। तो चलिए हम इस पेन ड्राइव से अपने सिस्टम का पासवर्ड रिकवर करते हैं। तो विंडोज 11 हमारा ये वर्चुअल मशीन है, मैंने जैसे कि आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि हम कैसे वर्चुअल मशीन को पेन ड्राइव से बूट कराएंगे, तो मैं दिखाता हूं आपको, यहाँ एक बार फिर से आप देख लीजिए। वर्चुअल मशीन हमारी ऑफ स्टेट में होनी चाहिए जो कि मैंने पहले ही ऑफ कर दी थी। विंडोज 11 है हमारा 64-bit एडिशन। एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग पे क्लिक करेंगे, एड पे क्लिक करेंगे, हार्ड डिस्क ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जो रिकमेंडेड ऑप्शन आ रहा है वही सेलेक्ट रहने देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यूज ए फिजिकल डिस्क का यूज करें, इस ऑप्शन का यूज करेंगे क्योंकि हाँ फिजिकल डिस्क हम यूज करेंगे यानी कि पेन ड्राइव, और ये पेन ड्राइव में कौन सा डिस्क यहाँ पे लेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये यस कह रहा है, मैंने यस करा। अभी आप देख रहे हैं ड्राइव 0, 1 और 2, ये फिजिकल ड्राइव्स, 3 ड्राइव्स दिखा रहा है। तो हमें नहीं पता कैसे ये हम यहाँ पे सही सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CMD कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से, यस करेंगे, यहाँ पे एक कमांड देंगे हम डिस्क पार्ट DISK PART, एंटर करेंगे, इस कमांड के अंदर आ जाएंगे, एक और कमांड देंगे लिस्ट स्पेस डिस्क, एंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ 3 डिस्क दिखा रहा है, डिस्क 0 जो कि ऑफलाइन है 238 GB, डिस्क 1 जो कि ऑनलाइन है 233 GB, डिस्क 2 जो ऑनलाइन है 1906 MB, यानी ये हमारी 2 GB की पेन ड्राइव है, तो यही है ये हमारी डिस्क 2। यहाँ पे हम डिस्क 2 का सिलेक्शन करेंगे, डिस्क 0 जो यहाँ दिखा रहा है तो आप कंफ्यूज ना हो, ये अनदर हार्ड ड्राइव है मेरे सिस्टम में, मेरे लैपटॉप में कनेक्टेड है, जिसको कि मैंने एलोकेट नहीं कर रखा है, यानी कि ये ऑफलाइन है, ये सिस्टम से कनेक्टेड है फिजिकली लेकिन मैंने इसको सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं कर रखा है, तो ये ऑफलाइन शो कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे जो काम की डिस्क है वो डिस्क 2 है पेन ड्राइव, इसको कि इसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे डिस्क 2, फिजिकल ड्राइव 2, एंटायर डिस्क का सिलेक्शन करेंगे, इस ऑप्शन का यूज एंटायर डिस्क, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अपने आप ऑटोमेटिक ये नेम ले लेगा वर्चुअल हार्ड डिस्क का, फिजिकल डिस्क जो ये क्रिएट कर रहा है,
फिनिश करेंगे तो आप देख सकते हैं 60 GB इसका ओरिजिनल डिस्क है जिसमें कि हमारी विंडोज 11 इंस्टॉल है। ये फिजिकल डिस्क 2 आ गई जो हमारी 1.9 GB यानी कि पेन ड्राइव है। ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए डिस्क 2 NVMe आ गया है यहाँ पे, ये पेन ड्राइव है हमारी। तो अब हम अपने सिस्टम को अपनी पेन ड्राइव से बूट कराएंगे, तो इसके लिए सिस्टम ऑफ स्टेट में होना चाहिए जो कि ऑलरेडी है, और यहाँ पे हम जाएंगे पावर ऑन टू फर्मवेयर का ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ये हमारे इसके फर्मवेयर में हमको ले जाएगा वर्चुअल मशीन के, तो देख सकते हैं हम इसके अंदर आ चुके हैं। ये कुछ इसके ऑप्शंस दिख रहे हैं, बूट नॉर्मली, बूट मैनेजर दिखा रहा है, डिवाइसेस, ये हमारे जो भी डिवाइसेस हम बूट कराएंगे। तो मेरी ये जो पेन ड्राइव है वो है डिस्क 2, यानी ये दिख रही है NVMe नेम स्पेस NSID 2 के नाम से। तो इसको हम मूवमेंट भी कर सकते हैं सेलेक्ट करके, इसको हम देखिए मैं एरो कीज का यूज कर रहा हूँ अप एंड डाउन करने के लिए, ड्राइव सेलेक्ट करने के लिए। तो इसी प्रकार से आप ओरिजिनल कंप्यूटर में भी ये जो पेन ड्राइव हम बूटेबल बना रहे हैं इसका यूज कर सकते हैं फिजिकल कंप्यूटर में भी, लेकिन उसके लिए आपको उसके बायोस के बूट ऑप्शन में यानी बूट मेनू में जाना पड़ेगा, अपनी पेन ड्राइव को डिफॉल्ट या फर्स्ट डिवाइस बूट डिवाइस बनाने के लिए, जिससे कि हम उसे बूट करा सकें पेन ड्राइव से, यानी हमारा सॉफ्टवेयर बूट कर सके, जो कि है लेस सॉफ्ट रिकवरी पासवर्ड सॉफ्टवेयर। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद हम एंटर करेंगे, तो ये देखिए बूट कर गया हमारी पेन ड्राइव से। तो ये देखिए सॉफ्टवेयर का नेम आ रहा है लेस सॉफ्ट लाइफ CD, इसको सेलेक्ट करेंगे एरो की से, यहाँ पे हमारा कीबोर्ड काम में आएगा, पेन हमारा माउस काम में नहीं आएगा क्योंकि ये कमांड लाइन इंटरफेस है, ग्राफिकल इंटरफेस नहीं है। तो लेस सॉफ्ट लाइफ CD ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे और ये फाइल्स लोड कर रहा है, यानी हमारा विंडोज 11 जो है पेन ड्राइव से बूट कर रहा है। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर कैसे यूज करेंगे यहाँ पे, सेम प्रोसेस आपको ओरिजिनल सिस्टम पे भी यूज करना है, और अगर किसी वर्चुअल मशीन में इसका टेस्ट करेंगे आप जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, तो आप वो भी टेस्ट कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन में भी सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ बूट कराना आपको आना चाहिए, और फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। आप किसी भी मदरबोर्ड या किसी भी ब्रांड के कंप्यूटर की फंक्शंस की को प्रेस करके, जो कि अलग अलग होती हैं ब्रांड पे डिपेंड करती हैं, उसको आप देख सकते हैं, गूगल पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं। तो देख लीजिए हमारा पेन ड्राइव से बूट हो चुका है, सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आ चुका है, यहाँ पे मैंने जितने भी ऑप्शन ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है तो सारे ऑप्शन दिखा रहा है। अभी हमें यूज करना है पासवर्ड रिकवरी का, तो हम ये ऑप्शन यूज करेंगे। आप देख सकते हैं और भी ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं, रीड कर सकते हैं, डेटा रिकवरी, विंडोज रिकवरी, डिस्क इमेज और क्लोन, पासवर्ड रिकवरी, यहाँ पे विंडोज फाइल मैनेजर का ऑप्शन है, इसको भी देख सकते हैं। देख लीजिए पूरा कंप्यूटर हम यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं, सारी डिस्क दिखा रहा है मेरे सिस्टम में, डी ड्राइव मेरी पेन ड्राइव है, ये विंडोज ड्राइव है, उसके अलावा कुछ हिडन ड्राइव्स होती हैं सिस्टम ड्राइव, वो भी ये दिखा रहा है, बूट ड्राइव, ये पेन ड्राइव की ही बूट ड्राइव है जो कि वर्चुअली एट प्रेजेंट यूज हो रही है, तो हम अभी इस ऑप्शन का यूज नहीं कर रहे हैं। इस ऑप्शन से हम कोई भी फाइल को रिप्लेस कर सकते हैं हमारी विंडोज के अंदर, ये देखिए हम सी ड्राइव के विंडोज डायरेक्टरी के अंदर हैं इस समय, हम कोई भी फाइल करप्ट या रिप्लेस, कोई फाइल करप्ट हो चुकी है उसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से, यानी यहाँ से हम करप्टेड विंडो भी रिपेयर कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन का भी हम यूज नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ पासवर्ड रीसेट करना है, तो हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे पासवर्ड रिकवरी, इस पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट विंडो खुल के आ गई, रीसेट विंडो पासवर्ड। नीचे मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये अनदर ऑप्शन दे रहा है, ये फाइंड विंडोज प्रोडक्ट की, यानी हम विंडोज के प्रोडक्ट की भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ से। देखिए कितना अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रीसेट विंडोज पासवर्ड जो कि हम यूज करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वार्निंग दे रहा है कि ये लाइसेंस्ड
फॉर नॉन कॉमर्शियल यूज है ये सॉफ्टवेयर, नॉन कॉमर्शियल यूज के लिए यानी सेल्फ यूज के लिए है, कॉमर्शियली हम इसको यूज नहीं कर सकते, तो हम इसको यस पे क्लिक करेंगे। फिर ये दे रहा है हमारा विंडोज एडिशन यानी कि विंडोज 11 है हमारा, आप देख सकते हैं सेम वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम दिखा रहा है यानी कि पार्टीशन दिखा रहा है किस पार्टीशन पे इंस्टॉल है ये, और रीसेट लोकल पासवर्ड ऑप्शन आ रहा है, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और देख सकते हैं मेरी इस विंडोज 11 के अंदर जितने भी अकाउंट बने हैं, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, गेस्ट अकाउंट है, डिफॉल्ट अकाउंट है, बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, सबका स्टेटस शो कर रहा है। ब्लैक कलर से एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, येलो कलर से आपका नॉर्मल यूजर अकाउंट है, गेस्ट अकाउंट रेड कलर से दिख रहा है, ऑपरेटर अकाउंट, सिस्टम अकाउंट, ये सारा दिख रहा है। मेरा जो है टेक इंडिया फॉर यू नाम से जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है दिख रहा है, आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर हेडिंग के नीचे ये सारा दिखा रहा है कि कौन सा अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर है कि नहीं है। टेक इंडिया फॉर यू के आगे यस लिखा है यानी कि ये एडमिनिस्ट्रेटर है। ब्लैंक पासवर्ड है कि नहीं है, नहीं इस पे पासवर्ड सेट है तो नो लिख के आ रहा है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो कि बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर पहले से होता है सिस्टम के अंदर जो कि बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है, ये यस है और ब्लैंक पासवर्ड नो है, तो यानी कि हमारे हमको इस अकाउंट का पासवर्ड रीसेट करना है। तो अभी हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारा अकाउंट सेलेक्टेड है यहाँ पे और दिखा रहा है कि या तो हम रीसेट और अनलॉक कर सकते हैं इस पासवर्ड को, या तो हम पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी इस यूजर के लिए हम नया पासवर्ड दे सकते हैं या सेट कर सकते हैं, तो मैं पासवर्ड को रीसेट और अनलॉक करूंगा, यानी मैं पासवर्ड बाद में भी क्रिएट कर लूंगा, अभी तो मुझे पासवर्ड रीसेट करना है, तो मैं रीसेट और अनलॉक ऑप्शन का यूज करूंगा। क्लिक करें इस पे, द पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली, पासवर्ड हमारा रीसेट हो चुका है सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे और हम इसको शट डाउन कर सकते हैं। इस पूरे जो पेन ड्राइव से बूट हुआ है हमारा, इसको हम शट डाउन कर सकते हैं, यानी मशीन हमारी शट डाउन हो जाएगी, सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्टली रीबूट कर लेते हैं सिस्टम को। सिस्टम रीबूट हो चुका है, अब ये डायरेक्ट बूट हो जाएगा हमारा विंडोज 11 से, यानी अभी पेन ड्राइव से बूट नहीं हो रहा है ये। अभी हम देखते हैं कि हमारा पासवर्ड रीसेट हुआ है कि नहीं, तो देख लीजिए टेक इंडिया फॉर यू वेलकम लिख के आ गया है। पासवर्ड मैंने अनलॉक और रीसेट ऑप्शन का यूज किया था, इसने पासवर्ड रिमूव कर दिया होगा। देखते हैं लॉगिन हो रहा है कि नहीं, आप देख लीजिए विंडोज लॉगिन हो चुकी है, मैं अपने यूजर से लॉगिन हो चुका हूं, आप देख सकते हैं मैं विंडोज के अंदर आ चुका हूं और मेरा टेक इंडिया यूजर अकाउंट जो है उसका पासवर्ड रिमूव हो चुका है। तो दोबारा से हम इसका पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, स्टार्ट मेनू पे कंप्यूटर मैनेजमेंट ऑप्शन में जाएंगे और वहां से जाके यूजर्स एंड ग्रुप अकाउंट में जाएंगे। तो थोड़ा सिस्टम स्लो हो रहा है मेरा, तो यहाँ पे जाकर के यूजर्स ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपना यूजर सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको सेट पासवर्ड करेंगे, प्रोसीड करेंगे, नया पासवर्ड यहां से हम सेट कर लेंगे फिर से। तो मैं पासवर्ड भूल गया था, मैंने पासवर्ड रिकवर कर लिया, तो यानी कि ये सॉफ्टवेयर हमारा विंडोज 11 पे भी सपोर्टेड है। तो आज का प्रैक्टिकल हमारा सक्सेसफुल रहा, तो इसी प्रकार से हम इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, हम कोई भी पेन ड्राइव अपने साथ रख सकते हैं। ये बहुत से टेक्नीशियंस हैं या ऑफिस यूजर्स हैं जिनको काम में आ सकता है, कोई भी सिस्टम का पासवर्ड आपको नहीं पता है तो इसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ सेल्फ यूज के लिए, कॉमर्शियली यूज नहीं कर सकते और हम इसका अनऑथराइज यूज नहीं करेंगे। ये मैंने आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए दिखाया है या सेल्फ यूज के लिए, इसको हम बाहर या किसी और के लिए यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस्ड होते हैं और अंडर लॉ के तहत हमें इसे यूज करना चाहिए। तो अगर आपको ये कॉमर्शियल यूज करना है, आप ये सॉफ्टवेयर इस साइट से जाकर के परचेज कर सकते हैं, इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन मिले सबसे पहले। और कल मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी है जिसका नाम है VMware, उसमें मैंने दो वीडियो शामिल किए हैं जो कि आप देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियोस पे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारा वीडियो लाइक कीजिए। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, और अपना ख्याल रखिए।